हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंसर मलिक, आपका होस्ट। तो आज की जो वीडियो है या आज का जो भी ब्लॉग है वो है, आज मैं बनाऊंगा मैच के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के जब भी मैच होता है ना, मैं बहुत ही ठीक है बहुत ही मैं उसको शौक से देखता हूँ, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है कल। और कल आज है 1 सितंबर और कल है 2 सितंबर 2023। और कल का जो दिन है ना, कल का दिन तो बस ना पूछें कि कल बस जो कल जो मैच होने जा रहा है ना, वो बहुत ही मतलब कि कांटेदार मुकाबला एक तो है दोनों टीमों के अंदर, और जो कल का जो मैच है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैच है। और ये होता है पूरा वर्ल्ड जो है ना वो मतलब के उसके अंदर अफरा तफरी बची होती है कि बस इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है। और कल के लिए जो ना काफ़ी ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं, और LCD वगैरह भी मैंने रेडी कर ली है, जिसको मैं फ्रेंड्स को बुलाऊंगा और मैच मैंने देखना है कल। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़रा टीम की तरफ मैं थोड़ा चलूँ, तो पहले तो मैं पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जिसके अंदर मैं एक साइड मैं जिसके अंदर पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो है जी बाबर आजम कप्तान है, ठीक है। और उसके बाद फखर जमान है, इमामुल हक है, आगा सलमान है, इफ्तिखार अहमद है, ठीक है। और ये इफ्तिखार अहमद माशाल्लाह से आजकल बहुत अच्छे खेल रहे हैं, परफॉर्म में है। और बाबर आजम भी जो माशाल्लाह वो तो फिर माशाल्लाह से सुपरस्टार है पाकिस्तान के। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान है, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बैट्समैन है। उसके बाद शादाब खान है, जिनकी तारीफ की जाए तो बहुत ही कम है। और उसके बाद मोहम्मद नवाज़, उसके बाद नसीम शाह तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह नसीम शाह, ठीक है। और उसके बाद शाहीन शाह फरीदी, फिर उसके बाद आ जाते हैं हारिस रऊफ, वाह क्या ही बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की जो साइड है ना, बॉलिंग और बैटिंग की माशाल्लाह से दोनों जो है ना वो बहुत ही बॉलिंग और बैटिंग की दोनों साइडें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और वो बैटिंग की तरफ देखा जाए तो वो भी साइड बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंडिया की जो है ना टीम स्क्वाड एशिया कप 2023 में। तो इंडिया टीम का जो स्क्वाड है वो है जी, पहले रोहित शर्मा वो है कप्तान, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी शुभमन गिल, ठीक है। उस आ जाता है विराट कोहली, जो बहुत ही फेवरेट है, ठीक है लोगों का। और उसके बाद आ जाता है जी सूर्य कुमार यादव आ जाता है, उसके बाद आ जाता है KR राहुल, उसके बाद आ जाता है ईशान किशान, उसके बाद आ जाता है हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र चंद्रन जडेजा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अक्षर पटेल, फिर कुलदीप यादव और फिर जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर इंडिया की टीम की देखा जाए ना, इंडिया टीम का जो स्क्वाड है 2023 में एशिया कप में, तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक है। बैटिंग लाइनअप हाँ बहुत है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आ जाता है, अच्छा बैट्समैन है ये भी। उसके बाद KR राहुल भी आ जा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आ जाता है, ये भी ठीक है। और उसके बाद अगर इनकी ठीक है बैटिंग लाइनअप तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद अगर इनकी बॉलिंग साइड को देखा जाए तो उसके अंदर आ जाता है रविंद्र चंद्रन जडेजा, ठीक है, अच्छा स्पिनर है, ऑलराउंडर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अक्षर पटेल आ जाता है, ठीक है, ये भी स्पिनर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी कुलदीप यादव, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो इनकी जो बैटिंग साइड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बॉलिंग साइड जो है वो भी बिल्कुल ठीक है।
तो ओवरऑल के दोनों टीमें जो है ना वो बहुत ही मतलब कि स्ट्रोंग है। ये एशिया कप 2023 में इनका जो दोनों टीमों का जो स्क्वाड है ना, टीम स्क्वाड, वो बहुत ही स्ट्रोंग है। और पाकिस्तान की जो मतलब के बॉलिंग बॉलिंग साइड है वो भी बहुत ही टफ है, ठीक है। उसके अंदर हारिस रऊफ है, उसके बाद नसीम शाह है, शहीनशाह अफरीदी है। तो मतलब ओवरऑल जो है ना, टीमें दोनों बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग है, और मुकाबला भी बहुत ही कल स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। बस वेट है 2nd September 2023 का, ठीक है। और ये एशिया कप 2023 कल का जो 2nd September है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। तो अब बात की जाए तो पाकिस्तान टीम की जो रैंकिंग है एशिया कप 2023 में, तो वो रैंकिंग अभी जो है ना वो माशाल्लाह से पहले नंबर पे है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही मैच हुआ है नेपाल के साथ, तो वो विन हुई है, और अच्छे मार्जिन के साथ विन हुई है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना इनका वो जो बॉलिंग साइड जो पाकिस्तान की, उनके पाकिस्तान का तो मतलब के बयान नहीं कर सकते हम। बहुत ही स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से जो है ना इनकी बैटिंग जो इन्होंने कमाल की दिखाई नेपाल के अगेंस्ट, तो बहुत ही मतलब के अच्छी इनकी जो रही है कारकर्दगी। तो अगर इनकी अब टेबल पॉइंट देखा जाए तो पाकिस्तान ने एक मैच जीता है, एक ही मैच हुआ है, ठीक है। और इनकी जो नेट रन रेट है वो है +4.760 नेट रन रेट जो है, और पॉइंट्स जो है वो इसके है 2 है, ठीक है। और इंडिया को जब भी बात की जाए तो इंडिया जो है अभी उसने कोई मैच तो प्ले किया नहीं, ठीक है। तो अभी उसका जो है ना 0 पॉइंट है, और अभी जो 0 मैच मैच भी अभी नहीं खेली। तो और उसके बाद नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल का एक मैच खेली है, एक ही मतलब वही मैच आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है वो मैच, ठीक है। पाकिस्तान इसलिए वो पहले नंबर पे है। तो उसकी जो है -4.760 है, -4 पॉइंट। और अगर बात की जाए, ये था ए टीम मतलब कि एक टीम का ग्रुप आया था, और अब बी ग्रुप जो है, बी टीम ग्रुप है, उसके अंदर आ जाता है जी श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और ए टीम ग्रुप के अंदर पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। और जो अब बी ग्रुप की हम बात करें तो श्रीलंका, ये क्योंकि कल जीती है उससे बांग्लादेश से कल जीती है मैच, तो इसका जो पॉइंट है रन रेट इसकी जो है वो है, पहले नेट रन रेट वो है +0.951 और 2 पॉइंट्स है। और उसके बाद जो बांग्लादेश के हैं वो है एक जल्द बात एक मैच खेली है, वो भी हार चुकी है वो, और उसकी है -0.951, ठीक है। और मतलब के देखा जाए तो अभी तो मतलब के स्टार्टअप हुआ है एशिया कप का, ठीक है। एक एक मैच हुआ है तो अभी तो इतना नहीं मतलब के कंपैरिजन किया जा सकता कौन आगे है कौन पीछे है, तो अभी इसका कोई इतना कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि कौन सी टीम आगे है अभी तो कौन सी टीम पीछे है अभी। तो बस कल के जो मैच की तैयारियां हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल 2nd September 2023 है, तो उसका बेसब्री से, मुझे तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि कल जो है ना बहुत ही बड़ा मैच, जिसे कहते हैं ना बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है, जिसका बयान किया जाए तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। कल बहुत ही बड़ा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस भारत, ठीक है। क्यों वर्ल्ड जो में जो मैच ये ना बस ना बोलें कि ये मैच बहुत ही कमाल का मैच होने जा रहा है, कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, तो इसका इतना बेसब्री से इंतज़ार है। और कल जो है ना 2nd September 2023, इसका बस बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्दी से ये आ जाए। और ये जो वेटिंग मोमेंट्स है ना, ये बहुत ही दिल दख्ता कर रहा है अभी से कि क्या होगा क्या नहीं होगा कौन सी टीम ये वो, ये बातें जो है ना दिमाग के अंदर अभी से जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि दोनों जो टीमें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो इस वजह से जो है ना दिमाग के अंदर वो बातें हैं कि कौन सी टीम ये वो, कौन जीतेगा, कौन आगे जाएगा, कौन
कौन मतलब के क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन सा प्लेयर कैसे खेलेगा, कौन सा प्लेयर 50 मारेगा, कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारेगा, कौन सा प्लेयर कितना स्कोर करेगा, तो ये जो बातें हैं ना, ये सारा जो है ना अभी दिमाग के अंदर यही बस चल रहा है। क्योंकि मैच इतना टफ है, इतना मतलब के कांटेदार मुकाबला है। टीमें दोनों देखें तो टीमें इंडिया की टीम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की टीम देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बाबर आजम माशाल्लाह से परफॉर्म लगी हुई है, 150+ मारा है नेपाल के अगेंस्ट, नेपाल के खिलाफ 150+ मारा है, ठीक है। तो माशाल्लाह से बाबर आजम सर की लगी हुई है, परफॉर्म लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद इफ्तिखार है, सर की भी फॉर्म लगी हुई है। तो देखा जाए तो मतलब कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रही है। तो बस अब क्योंकि इंडिया का भी तो कोई मैच हुआ नहीं, तो अभी हमें नहीं पता कि वो उसकी क्या परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से कल का जो है ना 2 सितंबर 2023, उसका बहुत ही बेसब्री से, मैं तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस जल्दी से ये जो वेटिंग जो टाइम है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और बस जल्दी से 2 सितंबर आ जाए जल्दी से। तो फ्रेंड जैसा कि कल 2 सितंबर 2023 का वेट हो रहा है, क्योंकि कल एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला, जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड में मैच का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, बहुत ही बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो फ्रेंड अब कल मिलते हैं लाइव, ठीक है, क्योंकि कल मैच होने जा रहा है। तो सारों की जो नज़र है वो है एशिया कप 2023 के 2 सितंबर 2023 के दिन के ऊपर, के जल्दी से बस वो दिन चढ़े और ये वेटिंग जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो और हम जल्दी से मैच बस देखें और देखें कि कौन कितनी परफॉर्म कर रहा है, इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर रहा है, और किस प्लेयर ने कितना मारा, किस प्लेयर ने कितना मारा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले 2 सितंबर 2023। तो अगर फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं लाइव जो है ना आपको दिखूंगा, अगली वीडियो में नजर आऊंगा, क्योंकि कल 2 सितंबर 2023 है। तो बस तैयारियां करनी है, कुछ एलसीडी वगैरह और ये कुछ पड़े जो है ना मैच के फ्रेंड्स वगैरह और सारे इकट्ठे वगैरह करने हैं और ये सारा जो कुछ ना सेटअप वेट करना है। तो मिलते हैं फ्रेंड कल मैच के दौरान, ड्यूरिंग मैच, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करें और लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, कमेंट ज़रा ना कमेंट में बताया करें कि मैं वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ, और अच्छे से कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जो मेन वो करना ना भूलिएगा, और दुआओं में अपने भाई अंसर मलिक को याद रखें, और बस मेरी वीडियो को प्ले करते रहें, देखते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट अच्छे से करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस ऑफ।